शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से आप भी हमें सुनाने आए हैं ना, पर हमें आपसे बात नहीं करनी। अरे और भाषण सुनने के मूड में नहीं है हम। हमें सब समझ में आ गया कि इस घर में हमारी क्या वैल्यू है। घर की बहू के साथ किसी ने बदतमीजी की, पर आपकी मम्मी पापा के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा उस अभय के लिए। अच्छा, वैसे आज तक एक भी शब्द आपके लिए भी नहीं फूटा हमारे मुंह से। खैर, आज के लिए बस इतना ही। कीर्ति, आप इस घर की बहू हैं, और जितनी जल्दी आप ये बात समझ जाए उतना ही अच्छा होगा। और अब आगे और कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो आप भी दीदू की तरह हमें ज्ञान देने आई हैं? नहीं, हम सिर्फ ये बताने आए हैं कि कल बाकी औरतों की तरह आपको व्रत रखना है, क्योंकि कल आपका पहला करवा चौथ है। मम्मी जी, करवा चौथ हम जरूर रखेंगे। मम्मी, उसे भी तो कीर्ति पसंद थी। तुमसे मिलने के बाद कहता है कि मुझे श्रद्धा से नहीं, कीर्ति से शादी करनी है। वरुण जी को मैं नहीं, कीर्ति पसंद आई थी, फिर भी उन्होंने मुझसे शादी करने के लिए क्यों हाँ कहा? ऐसे में तो कीर्ति के साथ भी गलत हुआ ना। अगर उस रात वो हुंडे नहीं आते तो सब गड़बड़ हो जाता। मुझे इस बारे में कीर्ति से बात करनी होगी। वैसे भी हमारा पति तो इतना कमाता है, हमारी सारी जरूरतें पूरी करता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो 4-5 दिन आपसे मिल नहीं पाएंगे ना, तो सोचा मिलते हुए जाऊं। कहीं जा रही है क्या? अपने हनीमून पर। नहीं, मैं कीर्ति को इस बारे में कुछ नहीं बता सकती। वो खुश है अपनी शादी से, एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। ये जो कुछ भी हुआ उसमें कम से कम कोई तो खुश रहे। तुम सॉरी बोल दोगी और मेरी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी? अरे, तुम्हारे सॉरी बोलने से मेरी प्रॉब्लम्स और बढ़ गई हैं। मैं तो गिल्ट में आ गया ना। सब के सब बस ना अच्छा देखते हैं। कभी किसी ने मुझसे पूछा कि मैं क्या फील कर रहा हूं? अरे, मैं तकलीफ में हूं या नहीं? पहले सबके लिए मैं सिर्फ निकम्मा, निखट्टू, आलसी था, पर शादी के बाद से सबका नजरिया बदल गया मेरे लिए। अब सबके लिए मैं अपनी बीवी की कमाई पे ऐश करने वालों में से एक हूं। अरे, शर्म आती मुझे घर से बाहर जाने में। सब लोग मुझे मेरे मुंह पर ताने मारते हैं। दुनिया भर की बुराइयां हैं मुझ में, पर मैं लड़की बाज नहीं। तुम्हारी बहन ने तो वो भी साबित कर दिया ना। मेरे घर वालों के सामने मेरी इज्जत की ऐसी तैसी करके रख दी, किसी से नजरें मिलाने लायक नहीं छोड़ा है मुझे। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे।
लोग अपना दुख ना आंसू के बहाने बहा लेते हैं, मेरा क्या? मैं अपना दुख कैसे खत्म करूं? है मेरे सवाल का जवाब तुम्हारे पास? बोलो श्रद्धा, है जवाब? मुझे तो याद ही नहीं था कि कल करवा चौथ का व्रत है। अच्छा हुआ याद आ गया, वरना कल मेरी भूखी प्यासी प्यारी बीवी को पैंपर कौन करता, है ना? कीर्ति, आज जो कुछ भी हुआ उसे तुम भूल जाओ। हमें नहीं करना करवा चौथ, हमसे व्रत नहीं होगा। अरे तो मुझसे भी कहाँ होता है, लेकिन साथ में मिलके करेंगे ना, तुम मैं और हमारा पहला करवा चौथ। पर कल मैं तुम्हें फिर से दुल्हन की तरह सजा हुआ देखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम जानती हो ये करवा चौथ का व्रत बहुत स्पेशल होता है। पूछो क्यों? क्योंकि कल के दिन हस्बैंड अपनी पत्नी को एक स्पेशल गिफ्ट देता है। चलो अब तुम बहुत थक गई होगी, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर कल सुबह सरगी के लिए भी उठना है ना। उसे भी तो कीर्ति पसंद थी, तुमसे मिलने के बाद कहता है कि मुझे श्रद्धा से नहीं कीर्ति से शादी करनी है। क्या हुआ? कुछ नहीं, सॉरी। आप सो जाइए। अरे तुम ये सब लेके इतना सज धज के इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? सरगी के लिए, आज करवा चौथ है ना, तो तुम भी व्रत रख रही हो? जी। देखो ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही दिन तुम्हें साफ साफ बोल दिया था हमारे बीच पति पत्नी जैसा कुछ नहीं होगा, ये फिर भी तुम ये सब। देखिए ये मेरा विश्वास है। अरे यार तुम अपना ड्रामा बंद करो ना, तुम दोनों बहनों को नौटंकी के अलावा कोई काम नहीं है क्या? एक को देखो तो वो मेरी इज्जत उछालती रहती है और दूसरी बतन पता नहीं, बस तुम ये व्रत नहीं रखोगी। मैं आपके फैसले की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन प्लीज आप मेरे लिए फैसला मत लीजिए, मैं ये व्रत रखना चाहती हूँ। देखो मैंने एक बार बोल दिया तो बस बोल दिया, तुम ये करवा चौथ का व्रत नहीं रखोगी बस। आ गई हमारी बहू श्रद्धा। बेटा रख दो यहाँ। भाभी मानना पड़ेगा, अरे दोनों बहनों में जैसे जमीन और आसमान का फर्क हो।
हमें तो विश्वास ही नहीं होता है कि एक ही कोख से जन्मी दोनों बहन इतनी अलग है। अब भाभी आप ही देखिए ना, अपनी श्रद्धा कितनी संस्कारी है और जितनी ये संस्कारी है कीर्ति को उतना ही लोगों की इज्जत और समय के लिहाज से जैसे परहेज हो। वैसे भाभी कीर्ति के आने के लिए आपने अलग से मुहूर्त निकाला है क्या? अभी तक सो रही है वो? आती ही होगी वो। हाँ हाँ भाभी हम समझ सकते हैं, बेचारी थक गई होगी, कल इतना तमाशा जो किया है उसने। अगर ये महारानी जी इतने जल्दी उठ जाए ना तो हम अपना नाम ही बदल लेंगे। हाँ चलो हम बैठते हैं। चौथे और आज के दिन में ये सो रही है? मम्मी वो एक्चुअली आंख ही नहीं खुली। आप चलिए मैं फटाफट भेजता हूँ उसको। 15 मिनट में ना कीर्ति बाहर आ जानी चाहिए, क्योंकि सूरज उगने के बाद सर्गी नहीं हो सकती। मम्मी आप चलिए, मैं 15 मिनट में उसे लेके आता हूँ, ठीक है? चलिए आप। वो सर्गी खाने के लिए जाना है, देर हो रही है, उठो। वरुण जी सोने दीजिए ना, 5 मिनट और। क्या हो गया, आपकी बहू उठी नहीं क्या? नहीं बस आ रही है कीर्ति। हाँ हाँ भाभी अच्छी बात है अगर कीर्ति आज उठ जाए, वरना हम तो यहाँ बैठ के उसका इंतजार कर ही लेंगे। हाँ पर भाभी एक बात आप देख लेना कि सूरज निकलने से पहले वो उठ जाए, वरना आपकी बहू के चक्कर में कहीं हम और हमारी बहू दोनों ही भूखे ना रह जाएं। क्या करूं कीर्ति यार, प्लीज उठो, वहां पर मम्मी चाची सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं, उठो ना। कीर्ति उठो ना, उठो। कीर्ति उठो, सॉरी। ये कीर्ति भी ना अभी तक क्यों नहीं आई, मैं उसे उठा के लाती हूँ। ताई जी कहीं ज्यादा देर ना हो जाए और सूरज ना निकल जाए, इसलिए मैं एक बार। श्रद्धा सही कह रही है, हम ना अपनी सर्गी खा ही लेते हैं, क्योंकि भाभी कहीं ऐसा ना हो कि आपके बहू के चक्कर में हम दोनों ही भूखे रह जाएं। ओ, इनका गुस्सा और बढ़ गया। अरे
बुला रही हूँ, बैठो। हमें पता है तुम कहाँ जा रहे हो। कोई जरूरत नहीं है कीर्ति को बुलाने की। अरे भूल गई तुम, तुम्हारे पति की कितनी बेइज्जती की उसने और तुमसे बुलाना चाहती हो। तुम कीर्ति की देवरानी पहले हो और बहन बाद में। और भूल मत जाना कि अभय तुम्हारा पति है। चुपचाप से यहाँ बैठी रहो। मम्मी जी, मैं कीर्ति को बचपन से जानती हूँ। उसे सुबह जल्दी उठना, व्रत रखना, इन सब की आदत नहीं है। उसने ये सब पहले कभी किया नहीं है, तो वही मैं सोच रही थी कि अगर मैं। अरे उसने कभी नहीं किया है तो इसका ठेका हम लिए हैं क्या? और श्रद्धा तुम ना एक बात काट बांध, अब तुम्हारा कीर्ति के साथ रिश्ता अलग है और ये एक अलग परिवार है, समझी? लेकिन मम्मी जी, अगर एक बार कुछ सर्गी खाओ और भूलो नहीं, ये व्रत तुमने अभय के लिए रखा है और हम नहीं चाहते कि कीर्ति की वजह से कोई भी विघ्न आए। कीर्ति बहुत अच्छी लग रही हो, अब जाओ ना, मम्मी वेट कर रही होंगी, प्लीज जाओ। वरुण जी, हमारा पहला करवा चौथ है, हमें अच्छे से तैयार होने दीजिए। कीर्ति तुम ना बहुत अच्छी लग रही हो, अब जल्दी जाओ ना, सूरज निकलने वाला है, मम्मी वेट कर रही होंगी, प्लीज जाओ ना मेरे लिए। ओके। सर्गी नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? आपके कहने पे हम सुबह उठ के तैयार होकर आए हैं, भूख लगी है और अब आप कह रही कि हम नहीं खा सकते। आप सुबह उठ गई, तैयार हो गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप ये सर्गी नहीं खा सकती। इसका क्या मतलब हुआ मम्मी जी कि हम नहीं खा सकते? घड़ी देखिए जरा, सर्गी सुबह सूरज निकलने से पहले खाई जाती है, कहा था ना हमने। तो अब सूरज तो निकल गया, तो चांद निकलने तक अब आप ना कुछ खा सकती हैं और ना पी सकती हैं। कीर्ति को तो वैसे भी व्रत रखने की बिल्कुल आदत नहीं है, अब पूरा दिन कैसे भूखी प्यासी रहेगी? तो जैसे कि हमने कहा, आप सर्गी नहीं खा सकती। मम्मी जी, ये व्रत ना हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, आपने बोला इसीलिए कर रहे हैं। अब आधी रात को उठकर हम तैयार होकर आए और आप कह रही हैं कि हम सर्गी नहीं खा सकते। हर व्रत के कोई नियम होते हैं और नियम तो उस नियम के चक्कर में हम दिन भर भूखे रहे। जीवन में इतनी ही समस्याएं हैं तो थोड़ा वक्त का भी ध्यान रख लेती आप। अब व्रत शुरू किया है तो उसे पूरा तो करना ही होगा। माफ करिएगा भाभी, आपके बहू का कल का तमाशा देखने के बाद हम तो इतना समझ लिए हैं कि आज का नखरा भी लंबा चलने वाला है
और हमें सबके नाश्ते की तैयारी करनी है, तो हम चलते हैं। चलो श्रद्धा। टकराया ना जान के, क्योंकि मैं अपनी बीवी को गिफ्ट देता हूं। बावला हो गया क्या? किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।